साजे देश की कहावत है, जिसका काम उसी को साजे और करे सो डींगा बस। एक पढ़े लिखे इंसान की सोच में एक अनपढ़ नेता की सोच में कितना फर्क हो सकता है, जनता चंगी तरह जानती है। चुनाव सिर पर है और चुनाव के आते ही सर्वे में बढ़ जाती हैं। और हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में तमाम मुद्दे हैं। कांग्रेस की बात करें तो आपस में सिद्धू और कैप्टन का गुट जो वो आपस में लड़ रहा है। और बात करें अगर हम अकाली दल की, तो बीएसपी के साथ हाथी के साथ गठबंधन कर अकाली दल की टिकड़ी सत्ता में आने को लिए लड़ाई थे। भाजपा की बात करें तो चुप ही है फिलहाल, किसान मुद्दे को लेकर चुप है। लेकिन हम आज चुप नहीं रहेंगे और आज हम बात करेंगे आपकी बात आपके नेता साहब। हमारे साथ है डॉक्टर जसवीर सिंह, और सबसे बड़ी बात है कि इनके पिता सरदार दारा सिंह गांव के सरपंच रहे हैं, और इनका गांव बिल्कुल पाकिस्तान सीमा से 6 किलोमीटर से के पहले पे इनका गांव है भंडियार, और इनकी माता श्रीमती बलविंदर कौर है। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में इनके परिवार से पहली बार ये उतर रहे हैं डॉक्टर जसवीर सिंह, और उन्होंने आपका हाथ थाम लिया है। सबसे बड़ी बात है कि हम स्वागत करते हैं डॉक्टर जसवीर सिंह का। कि डॉक्टर साहब आपको क्या जरूरत पड़ी डॉक्टर लाइन से सियासत की लाइन में? नफी साहब तो पहले अपने चैनल में देख रहे मेरे सारे वीरां दा, मेरे सारे दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कहना है। बाकी जी तुसी साडे हलका वेस्ट विच अमृतसर विच डॉक्टर जसवीर सिंह संधू के दफ्तर पेश आए हो, हलका वेस्ट अमृतसर च तुहाडा जीएन। बाकी क्योंकि मेरा कोई राजनीति के नाम कोई पुराना शोकर संबंधित नहीं है, मैं एक राजनीति तो नहीं आया कह सकता, राजनीति नव आया। अच्छा मेरी गल सुनो, पंजाबी आप गल करते हैं, गल इको एक गल है कि सियासत कहते हैं बड़ी कहने वाले गंदे, मैं कहना चंगी भी है, लोग कहते बहुत ज्यादा गंदी सियासत होंगी है। तो गंदी सियासत में एक डॉक्टर वर्गा सफेद पोश पेशे तो छड़ के क्या तो सियासत चंगी हो जाएगी या गंदे लोग निकल जाएंगे? देखो जी सियासत जी मैं करनी नहीं आती, पर मैं एक मेरे जो यंग वर्ग यंग ब्लड जो मेरे दोस्त आ जो सज्जन आ मेरे उन्होंने इस मुकाम पर लिया के खड़ा कर दिता कि जसवीर जी तुम जरूर आओ इस काम, क्योंकि अपना पुराना जो समाज आ जो जो लकीर के फकीर लोग बने हुए आ उन्होंने सबक सिखाने वास्ते, उन्होंने कुर्सी तो परे हटाने वास्ते, राजनीति यूथ वर्ग को लिया वास्ते सू इस खिते आना पाया। बाकी तुसी देख ही रहे हो रोज़मर्रा दिन जिन्ने मुद्दे पंजाब उठे आ, सिर्फ आप अपनी झोली जी भरन वास्ते मुद्दे उठे आ, इन्हें कदे भी किसी का भला नहीं किया, कदे भी किसी न्याय की गल नहीं की, कदे भी कोई लोग भलाई के कामों वाल खास ख्याल नहीं किया। लेकिन जो रोज़मर्रा की जिंदगी देखते हैं उन्होंने इन कौकड़ा इंसान दियाँ शुरू हो चुकी हैं कि सानू जिदा कि राजनीतिक पद्धत के जोड़े वे लीडर आ इन चेंज नहीं कर पावे तो साडे समाज का भला नहीं हो सकता। एक बहुत वड्डी गल चल रही है पूरे देश में कि पढ़े लिखे एम पी एम एल ए होने चाहिए, पंजवीं अठवीं दसवीं पास मंत्री बन जाते हैं, कोई एजुकेशन मिनिस्टर बन जाता, कोई कोई मिनिस्टर बन जाते हैं, क्वालिफिकेशन उन्होंने होंगी नहीं, इतों तक कि जो एजेंडा होंगे है जो उन्होंने बार के मुल्कों में भेज दिता जाए वो की उत्थे जाके गल करना, उन्होंने अंग्रेजी भी नहीं बोलनी आती, लिखनी भी नहीं आती, यहोजे भी एम एल ए एम पी साढ़े देश में राज कर रहे हैं, आई एस ऑफिसर बोलते हैं उन्होंने चुप रहते हैं, आई एस ऑफिसर भी नहीं चलती क्योंकि पढ़े लिखे ने, तो जो मंत्री एम एल एम पी अनपढ़ को चिट्टा अनपढ़ रोग चलता डिस्ट्रक्टिव कि साडे देश की एक कहावत है, जिसका काम उसी को साजे और करे सो डींगा बस। एक पढ़े लिखे इंसान की सोच में एक अनपढ़ नेता की सोच में कितना फर्क हो सकता है, जनता चंगी तरह जानती है जान भी चुकी है, क्योंकि जे तुसी अठवीं पास या अठवीं फेल जिहड़े आ नेता चुनोगे तो उन्होंने सोच वो अठवीं दसवीं तक ही सीमित रह जाएगी, ना कि अपने किसे भर तक सीमित रह जाएगी, वो लोग भलाई के कामों वाले नहीं सोच सकते। अज देखते हैं पंजाब के जो हालात आ, अठवीं अठवीं पास जिहड़े या अठवीं अठवीं फेल जिहड़े आ मंत्री बने आ जां एम एल ए बने कैबिनेट मिनिस्टर तक गए आ, वो पी एच डी वालों नूं डिग्रियां वंड रहे आ, क्योंकि डिग्री मतलब कि ये कह सकते हैं कि उन्होंने उस डिग्री की वैल्यू तक नहीं पता, तो वह डिग्रियां खुद सर्व कर रहे स्टेज के उपर
उन्होंने इस खिते का नहीं पता कि साड़ी जी है वैल्यू साड़ी डिग्री की वैल्यू की है तो उन्होंने डिग्री की वैल्यू की है। बिल्कुल ठीक थोड़ी गल है। एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन लिखना नहीं आता। चलो मैं दूसरी गल करा गल है कोई गल कि जो इलाका वैसे चुने है सब तो ज्यादा स्लम इलाका कहा जाता है सब तो ज्यादा नशा सब तो ज्यादा क्राइम दियां वारदातां होंदियां और जिहड़े वेस्ट इलाके विच उह किथे ना किथे तुसीं अगर एमएलए बन जांदे हो इस आप दी फिकर तो एमएलए मान लो बन जांदे हो तुसीं की करो रोजगार मुद्दा इत्थे हैगा इहदे बिजली दा बिल दा चलो तुहाडे करंट मार्केट केजरीवाल साहब फ्री दा ते उह करंट चलेगा या नहीं चलेगा इहदे आने वाले टाइम दस्सेगा पर तुसीं दस्सो कि अपने इस वेस्ट इलाके विच नशा ते रोजगार नशा मिटाना ते रोजगार लैणा की करो। सब तो पहला तो जी नशे को ठल पाई जाएगी आम आदमी की पार्टी की सरकार आने तो सब तो वड्डी जी कैबिनेट की मीटिंग पहली वो श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो दस्या गया बिजली संबंधी गरंटी कार्ड वंडे गए उन अमल में सब तो पहला लिया जाएगा। सैकंड एजुकेशन एजुकेशन हायर लैवल भी बनाया जाएगा जो कॉलेज जो यूनिवर्सिटी जो स्कूल पिछलियां जो सरकार नकारा सरकार ने बंद कर दिए खंडर किए उन्होंने रीजनेट किया जाएगा जो स्टाफ उत्थे भर्ती सी वो जो रिटायर हो चुके हैं उन्होंने जगह पर नवा स्टाफ भर्ती किया जाएगा। स्कूलों दिल्ली की तर्ज से रीमोडिफिकेशन करके जो टीचर है उन्होंने हम जिन्हें भी टीचर है दिल्ली के उन्होंने फिनलैंड स्विट्जरलैंड ट्रेनिंग दी गई है कहता कि एजुकेशन कि अगे करना असी उस लैवल तो भी उपर का काम कर जा रहे हैं पर सब तो पहला कि असी बेरोजगारी खत्म करना भी साड़ी सब तो वड्डी जिम्मेवारी है। एजुकेशन होएगी तो बेरोजगारी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। सब तो पहले एजुकेशन हाईएस्ट मार्क देवे वास्ते एक रोडमैप तैयार करा रोडमैप तैयार करने तो बाद इंपलीफाई करा इंपलीफाई होने तो बाद देखते रहना आम आदमी पार्टी की सरकार में जो ये सरकार 70 साल नहीं कर सकिया सानू 5 साल दे दें पंजाब फिर तो सोने की चिड़ी बना दें। बिल्कुल थोड़ी गल ठीक है सोने की चिड़ी बना दो लेकिन अमृतसर की गल करिए अमृतसर सरकारी एक भी मुंडिया का कॉलेज का नाम दसो सरकारी कॉलेज मुंडिया का हो नाम दसो। देखो जी सरकारी कॉलेज मुंडिया का तो मेरे ख्याल में पिछलियां 75 साल वाली सरकार ने तो बनवाया नहीं सब तो पहला ये काम उन्होंने छाड़ी आम आदमी की पार्टी की सरकार वास्ते दिता कि वह होने तो उही बना। अच्छा उन्होंने पता नहीं कोई और कोई बनाओ। अच्छा मेरी गल सुन लो तुम वेस्ट इलाका ही क्योंकि इतों के रहने वाले हो इलाके विच होर होर की मुद्दे ने क्योंकि यह इलाका जिहड़ा है डॉक्टर राजकुमार वेरका एमएलए ने इस इलाके तो उन्होंने किदां मान लो लड़ाई होंगी तो फाइट होगी कि मुद्दे को घेरोगे देखो जी एक होता दसी पंजाब के लोग ही इस मुद्दे को ज्यादा जानते हैं क्योंकि मैं राजनीति में नवा है लेकिन जितों तक मैं देखा एक मुद्दा नहीं बेरोजगारी सिक्ख्या का इन्ना मंदा हाल स्कूल बंद होने के बावजूद कॉलेज बंद होने के बावजूद भी फीसा थोड़े घर आ रही है बेरोजगारी इन्नी है किन्ने तो दिहाड़े चोरिया डाके पर्स मार चपट मार सारा कुछ कर रहे बिना छरेआम बिना किसी डर तो घूम रहे पुलिस भी उसे एक्शन नहीं लै रही क्यों नहीं लै रही क्योंकि उन्होंने पोलीटिकल लीडर का दबाव है जे असी चोर फट के अंदर भी देने पुलिस को छड़ के आने पर चोर साढ़े घर पहुंचने तो पहले ही घर आया हूँ अपने वापस आया हूँ क्योंकि किसी ना किसी मंत्री का किसी ना किसी एमएलए का फोन आ जाता है कि जी मेरा बंदा है छड़ दो इन मिसाल साढ़े सामने को साढ़े सामने आ लेकिन जोड़े मुद्दे आ बेरोजगारी के वो बहुत तगड़ा मुद्दा है ईवन के बेरोजगारी इन्नी ज्यादा बढ़ चुकी कि तुम जो अटारी तो चलो मेरे वेस्ट हल्के क्रॉस करते करते 3-4 चौंक योजे पे जिसे दिन 8-7 बजे तो लेके 9 बजे तक योजे बेचारे बजुर्ग दिहाड़ीदार भी उ खड़े होंगे कि उन्होंने कोई दिहाड़ी तक नहीं खड़ता बेरोजगार इन्ने ज्यादा आ कि एम ए बी ए पी एच डी पढ़े लिखे वर्ग में भी नौकरी की तलाश करने वास्ते दर दर भटकना पै रहा उन्होंने जो कोई तनखा देता भी है पी एच डी वाले 10,000 5-7,000 तो तनखा वाद देने वास्ते कोई राजी नहीं है तो इंसान जाएगा कितने जो पढ़ ही गया उन्हें कोई गुनाह थोड़ी कर लिया। नहीं डॉक्टर जसवीर सिंह जी सब तो वही गल है कि चलो रोजगार सेंटर है तो बहुत वो गल है क्योंकि एक वैसे हल्के तो नहीं रोजगार सेंटर खोलने वास्ते पंजाब सरकार तक पूरे केंद्र सरकार को एक मॉडल मोडा ला के चलना होगा पर सब तो बड़ा सवाल है दड़ा सट्टा का नशा यह वेचन वाले जो है कि एम एल ए का हाथ इना उ नहीं है एलो इलाके के एस एच ओ या इलाके के ए सी पी या इलाके की पुलिस नहीं पता कि दड़ा सट्टा नशा कौन बेचता है कौन सब कुछ करता है गलत कौन करके फिर भी क्यों नहीं फड़े जाते हैं
सर फड़े जाते कौन नहीं फड़े जाते सारा कुछ फड़े जे कैप्टन साहब साड़ी आस्था है श्री गुरु ग्रंथ साहब गुटका साहब हाथ में फट के सौ खा के 24 घंटे का टाइम दे के 48 घंटे का टाइम दे के नशा बंद करने की गल कर सकते हैं तो इंप्लीमेंट किन्हें करना सर डॉक्टर जसबीर सिंह अगर मान लो एक दिन अब पार्टी में उन्होंने चल सीएम बना दें लॉटरी निकल आती है की करो पहले तीन काम पहले तीन काम सिक्ख्या अच्छा एजुकेशन इन्ना बढ़ावा दे दिता जाएगा कि साढ़े जो यार धियां पोत मेरे भैन भरा जो मेरे बच्चे आ जो बाहर जा रहे एजुकेशन वास्ते या नौकरियों वास्ते बाहर जा रहे हैं सब तो पहला तो उन्होंने यह दसा जाएगा कि बाहर जाके पढ़ा इतने ऑक्सफोर्ड वर्गी यूनीवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा बड़े बड़े कॉलेजों का बड़े बड़े लॉ कॉलेजों का बड़े बड़े यूनीवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा ताकि साढ़े धियां पुतों बाहर डॉक्टर जसबीर सिंह जी बाहर जाने वाले सब तो ज्यादा जो आंकड़े आ रहे बड़े ही सू खतरनाक साबित हो रहे क्यों कानून व्यवस्था सही नहीं हैगी है इस करके तकरीबन इतों हर कोई चाहता कि बच्चा बाहर रहे क्योंकि इतने लुट खसूट कितने हो जाए कि ना हो जाए पुलिस किन तसदत करे हर चीज है कानून व्यवस्था पंजाब गड़बड़ हो गया एक बड़ा गल यह भी है लोग बाहर भजन का एक कारण है नहीं मानते बिल्कुल सब तो वाला कारण है कि लोगों जी सरकार राज कर रही है वो तो यकीन ही नहीं है कैप्टन सरकार का यकीन नहीं नहीं है इलेक्शन हर बंदा भावना कहता कि चलो ठीक है जी स्मार्टफोन देंगे नशे खत्म करेंगे होर भी कई मुद्दे हमें दिते जे जिन्हें वेख के बंदा बदल के कहूगा चल यार सरकार से बनाओ आपे कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना जो मान लो 13 प्रोग्राम दिते 13 चो 7 तो करेंगे ही ना देश की जनता को नकारा क्यों बनाया जा रहा फ्री वाला फंड जरा फ्री वाला फ्री बंद करो हाँ और एक रिजर्व प्राइस तय करो आप फ्री बिजली ना दी सारे वास्ते 300 रुपए यूनिट कर दिए बिजली यह प्रोग्राम फ्री वाली आदत रहने दो क्योंकि कुछ फ्री वाले काम मैं समझा जनता भी चलो ठीक है अपनी अपन वोटा बैंक है पर मान लो तो जो वादे है केजरीवाल साहब सिद्धू कैप्टन कट्ठे होके किसानों भी अपने वाल मिला लैन तो सब कुछ कर दे हाल में जी सरकार बना लैन ऐदा हो सकता है देखो जी जनता के वोटर सियाने हो चुके हैं इन्हों लूबड़ चलान च आने वाले नहीं है अज का जो वोटर वर्ग है इन्ना सुचेत हो चुका है इन्ना अवेयर हो चुका है कि वोट पाने पहला सब तो पहला तो जेडे लॉकडाउन के बिजली के बिल आए हैं पर बत्ती नहीं आई और जेबा च पा के जाएंगे वोट पा लगे तो जाके चेक करेंगे भी मैं वोट किनू पा रहा बच्चों दूल दीसा दर्चिया फीसा दसीदा जो जमा जो कराइया वो जेब च पा के जाएंगे तो वोट पाने पहला जरूर देखेंगे कि बच्चा तो साढ़ा कितने भी स्कूल नहीं गया पर फीस ही पूरी भर रहे हैं कहना मतलब किताबों लैके करंट न पास किताब पास करंट यह दोनों तुम एक मॉडल दिल्ली वाला पंजाब से लिया के बेस्ट सीट में एम एल ए बन दे अपनी दावेदारी तार चुकी हाँ जी बिल्कुल तो साढ़े नाल है डॉक्टर जसबीर सिंह जिन्होंने आप सीधी गलबात की आम आदमी पार्टी के नेता ने हाले डॉक्टर जसबीर सिंह कई सालों तो इतने प्रैक्टिस कर रहे हैं सब तो वही गल है कि पाकिस्तान के लगते पिंड इन्हों का तो अमृतसर में प्रैक्टिस कर रहे थे हूँ वेस्ट में डॉक्टर राजकुमार वीरता इतों के एम एल ए ने हूँ इन्होंने अपनी दावेदारी ठोक दी आने वाला टाइम भी दसेगा टिकट किनों मिलती है अगर टिकट इन्हों मिली तो इन्होंने जो वादे ने लाइव भारत इन्होंने विभाग बार गलबात की लाइव भारत देख लो लाइव भारत सुखविंदर कोहली के नाल सफर शुक्ला की रिपोर्ट जय हिंद जय भारत।